अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी नेचुरल मॉइस्चराइज़र। व्यूअर्स, ये ऐसा नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, ना सिर्फ आप इसको सर्दी में इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि आप इसको गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके कलर को निखारने के लिए बहुत ज़्यादा मुआविन है। आपके लार्ज पोर्स को ये क्लोज करेगा, आपकी स्वेटिंग को रोकेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से बनाना है। हमें चाहिए नारियल का पानी 1 कप, सौंफ का पानी यानी कि अरके सौंफ 1 कप और अरके गुलाब 1/2 कप, प्योर इसेंशियल ऑयल हमें चाहिए 5 ड्रॉप्स। अगर आपके पास इसेंशियल ऑयल नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने फ्रेश लेमन जूस 1 टेबलस्पून डालना है उसकी जगह पे। आपने इनको एक स्प्रे बॉटल में भर लेना है और इसको अच्छे से शेक करना है। लीजिए, हमारा नेचुरल मॉइस्चराइज़र रेडी है। व्यूअर्स, आपने क्या करना है, आपने इस स्प्रे को अपने चेहरे, हाथों पर, नेक पे, नेप ऑफ द नेक और जहाँ पर आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं आप करें। उसके बाद आपने अपनी फिंगर टिप से टैपिंग करनी है। इसके बाद आप इसको छोड़ देना है, आपने इसको खुद ब खुद ड्राई होने देना है। आप इसको वॉश नहीं करना क्योंकि ये खुद ब खुद आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। व्यूअर्स, इसके करने से आपके कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा क्योंकि मैंने इसमें अरके सौंफ का यूज़ किया है। जो सौंफ है, इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हमारे कलर को फेयर करती हैं। अगर हम सौंफ का इंटेक करें तो ये अंदरूनी तौर पर हमारे कलर को फेयर करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कलर फेयर हो जाए नेचुरली तरीके से, तो आप सौंफ का ज़्यादा यूज़ किया करें खाने में। व्यूअर्स, इसके अलावा ये आपके जो सौंफ है, अरके सौंफ और अरके गुलाब और नारियल का पानी, ये आपकी स्किन को टाइट करते हैं और आपके ओपन पोर्स को क्लोज करते हैं। और अगर आप गर्मियों में इसका यूज़ करें तो ये आपकी स्वेटिंग को कदरे कम करेंगे और आपकी स्वेटिंग को रोकने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आपने इसका सर्दी में भी यूज़ करना है और गर्मियों में भी यूज़ करना है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आई होप आपको ये मेरा नेचुरल मॉइस्चराइज़र पसंद आएगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दो में याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।